दादी चुप रहना, वो क्लास शुरू हो गई है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे और कोरोना की तबाहकारियों से हमारे प्यारे बच्चों और इनके अहले खाना को, इनके पेरेंट्स को, सबको, सारे मुसलमान भाइयों को, सबको महफूज रखे, आमीन। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि मैं आपको पढ़ा रहा था अल्लामा इकबाल की गजलें, ठीक है? मेरे हिसाब से तो मैंने, मेरा ख्याल है वो उसे कम्प्लीट करा दिया है। अगर किसी बच्चे ने कोई अल्लामा इकबाल का शेर समझना है इस वक्त, जिसको मैं कहता हूँ कि रिवाइज करना है या स्क्रीनशॉट लेने हैं या जो भी कोई मसले मसाइल हैं, वो मुझे बताएं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अल्लामा इकबाल की दोनों गज़लें आपको मुकम्मल करा चुका हूँ। मीर की गज़लें भी हो गई हमारी मुकम्मल, और मीर के साथ साथ गालिब की भी हो गई, हाली की भी हो गई और इकबाल की भी हो गई। जब चार शायरों की गज़लें मुकम्मल हो गई, जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर में मॉडल पेपर के मुताबिक इन चारों शायरों के एक का एक एक शेर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ दो शेरों की तशरीह करनी है। तशरीह कौन सी करेंगे आप? मीर की और गालिब की कर लेंगे, बस खत्म होगी बात। तो ये सब इजाफी तैयारी है आपकी, ठीक है? आप कहें तो मैं अगला नया टॉपिक शुरू करूं। मुझे बताइए, अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ ले, कोई सवाल करना है तो वो सवाल कर ले, मतलब मैं अगला टॉपिक, अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, और बच्चे बोले तो सही, जितने जो बच्चे क्लास लेने बताए तो सही मुझे। सर, कंप्रेहेंसिव की डेट क्या है? बेटा ये अभी ये सवाल तो सेंटर वाले जवाब देंगे ना, इसका मुझे तो नहीं पता इसका। हाँ,
कॉम्प्रिहेंसिव की डेट आगे पीछे जो भी होगी वो सब बातें आपको सेंटर वाले बताएंगे। और बस ये कि आप तो मतलब ये कि कुछ नसीबी बच्चे हैं जिसे कहना चाहिए कि ऐसे हालात में भी पढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं था, हम तो पहले भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे थे और लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी, लेकिन लॉकडाउन से परेशानी आपको मजीद ही हो गई कि अब आपको साइंस की क्लासें ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी। हैं ली होंगी यकीनन, जो टीचर थे आपके वो पढ़ा रहे होंगे आपको, तो ये भी आपके लिए नए मसाइल हैं। तो हिम्मत मत हारिएगा, अपने काम को जारी रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, नई ये स्लाइड को कट करके नया नई शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, आ जाए हम। अच्छा बेटा एक यक बाबी ड्रामा, मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके मॉडल पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर वन तो एमसीक्यू का है, टू जो है वो दो अशार की डिग्री का है, ठीक है, थ्री जो है इक्तबास और खुलासे का। तो ये दोनों चॉइस पढ़ेंगे, आप इक्तबास करें या खुलासा करें। तो खुलासे के सिलसिले में मैं आपको तीन अफसाने, नया कानून, चोर और हम सफर तफसीली तौर पर करा चुका हूँ, ठीक है। और उन तीन अफसानों के बाद खुलासे के टॉपिक में दो टॉपिक रह गए थे, दोनों ड्रामे रह गए थे। एक ड्रामे का नाम है समंदर का दिल और एक ड्रामे का नाम है आराम और सुकून, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में आपको समंदर का दिल ड्रामा पढ़ाऊंगा और इसका इस्तेमाल क्या है एग्जाम में कि इसमें से खुलासा पूछा जाता है और खुलासे के साथ साथ इस ड्रामे में से एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो एमसीक्यू में आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। एक यक बाबी ड्रामा, यक माने एक, एक यक बाबी एक, ये वन एक प्ले इसको अंग्रेजी में कहेंगे, एक मंजर का एक सीन का ड्रामा, यक बाबी ड्रामा वन एक प्ले। और दो प्ले हैं आपकी किताब में, दो ड्रामे हैं। अच्छा एमसीक्यू ये है कि ड्रामा इसे कहते हैं अल्फाजों को अमली शक्ल में पेश करने का नाम ड्रामा है। ये एमसीक्यू सही, इसको रिवर्स कर दें कि अल्फाजों को अमली शक्ल में पेश करने का नाम ये है, क्या है, ड्रामा। अल्फाजों को अमली शक्ल में पेश करने का नाम ड्रामा है। देखें हमारी अदबी असनाफ में ड्रामा वो सिंप है जो सिर्फ लिखने से नहीं बनता है, इसको परफॉर्म भी करना होता है। तो ये लफ्ज ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है। एमसीक्यू ये है कि ड्रामा इस जबान का लफ्ज है। अब ये पुराने पेपर देखिएगा उसमें सब में मिलेंगे इस एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ आपको। ड्रामा इस जबान का लफ्ज है और वो जबान कौन सी है, यूनानी, ग्रीस, ठीक है। और लफ्ज ड्रामा के माने ये हैं करके दिखाना, करके दिखाना, ठीक है बेटा। तो ये सारे हो गए एमसीक्यू। फिर उसके बाद मिर्जा अदीब इसके ड्रामा निगार हैं और मिर्जा अदीब के डिटेल में अभी आगे तारुफ ड्रामा निगार में आपको तफसीलन समझाऊंगा। और खुलासे में जब आप तारुफ अफसाना निगार या तारुफ ड्रामा निगार लिखेंगे तो उसके दो नंबर हैं, ठीक है। तो दो नंबर का काम तो सिर्फ तारुफ अफसाना निगार या ड्रामा निगार का बनेगा। और ड्रामे का नाम है समंदर का दिल, और समंदर का दिल, समंदर क्या है इसमें ड्रामे में, एक माँ है, माँ का दिल। तो समंदर इसमें इस्तियारा है माँ के लिए, माँ मोहब्बत का इस्तियारा है, माँ मोहब्बत का समंदर है। माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए जो मोहब्बत होती है उसका कोई किनारा कोई सरहद नहीं होती। एक माँ की मोहब्बत की कहानी है ये समंदर का दिल, जो औलाद की खातिर गम के समंदर में डूब गई। ये इसकी वन लाइन स्टोरी बनाई है मैंने, ये एक जुमला जो नीचे लिखा हुआ है पूरे अफसाने की वन लाइन स्टोरी होती है। राइटर जब ड्रामे को लिखता है ना तो एक एक चीज उसको लिखनी होती है, डायलॉग इसमें होते हैं ड्रामे में,
ड्रामे में कहानी होती है, मंजर होता है, हाँ मुकालमे होते हैं, तो ये सारी चीजें राइटर लिखता है, एक एक चीज एक्सप्रेशन के साथ बयान करता है। तो ड्रामा, ड्रामे का नाम है समंदर का दिल, माँ का दिल, माँ मोहब्बत का इश्तियारा है, एक माँ की कहानी, उसकी मोहब्बत की कहानी जो औलाद की खातिर गम के समंदर में डूब गई है। बताइए दिए पहली स्लाइड नंबर एक समझ में आई है आपके? ओके तो कीजिए जरा सा, थोड़ा सा मैंने इसको बताया है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस ड्रामे में पांच किरदार हैं, ड्रामे की पांच किरदार हैं, हाँ वो पांचों लिखे हुए आपके सामने। अच्छा मैंने देखो सवाल भी चेंज कर लिया, स्लाइड भी चेंज कर ली, कलर कॉम्बिनेशन भी दूसरे बना लिए, और आप ऐसे मासूम सीखने ज्यादा ये हम उससे पढ़े जा रहे हैं। अभी बेटा एंजॉय करके पढ़ो यार, है अगर स्लाइड अच्छी लगी है तो बताओ, बुरी लगी है तो बताओ, हाँ जहन में उठने वाले सवाल को बयान करो। हाँ कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? मैंने तो ऐसा लगा, मुझे लग रहा है जैसे मैंने टैंक का शरबत बना लिया है उनके रोजे के लिए, है ऑरेंज कलर का, या फंटा पिला रहा हूँ मैं आपको, है अच्छा खैर तो इस ड्रामे में पांच करेक्टर हैं और पांच किरदार, और वो किरदार कौन कौन से हैं? पहला किरदार है हुस्ना, और ये हुस्ना जो है ये इस करेक्टर का नाम है, और ये एक माँ है इस कहानी में। कहानी पूरी इस माँ के गिर्द घूम रही है, इसका जवां साल बेटा है इसमें जो मर चुका है, वो भी एक करेक्टर है इसमें, लेकिन वो हाजिर करेक्टर नहीं है, उसको तो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हुस्ना एक माँ है जो दुख के गहरे समंदरों में डूब गई बेचारी, उसका जवां साल बेटा मर चुका है। अच्छा हुस्ना की पड़ोसन का नाम है रखी, जिसे नाम होता है ना अल्लाह रखी या अल्लाह रखा, तो रखी उसका नाम है और वो पड़ोसन है। अब दो एमसीक्यूज है यहाँ पर, ड्रामा समंदर का दिल में हुस्ना ये है माँ, जवाब है इसका, ड्रामा समंदर का दिल में हुस्ना और रखी का आपस में ये रिश्ता है, दोनों दोस्त भी हैं और पड़ोसन भी हैं, सहेलियां हैं ये दोनों, पड़ोसन भी हैं। ठीक है, हुस्ना और रखी उम्र तकरीबन दोनों की बराबरी है अंदाजा। कहानी में तीसरा किरदार शब्बीर का है, शब्बीर जो है वो रखी का बेटा है, पड़ोसन का बेटा है, उम्र 18 साल के करीब इस नौजवान की है, और इसका भी इस ड्रामे में एक किरदार है शब्बीर, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, है वाला शब्बीर है ये। ठीक है, पड़ोसन का बेटा है ये। अच्छा चौथा किरदार इस कहानी में सुगरा का है, सुगरा महल्ले की छोटी बच्ची है, शब्बीर तो हो गया पड़ोसन का बेटा, नौजवान है ये, और सुगरा महल्ले की एक छोटी बच्ची है, सुगरा नाम है इसका। ठीक है, छोटी सी बच्ची होती है ना जब महल्ले में चीज वीज लेने आ जाती है, इधर उधर घूम रही है। अच्छा अब्बास हुस्ना का शौहर है, और अब्बास की एज इस ड्रामे में 50 साल के लगभग बताई गई है, ये बाकायदा राइटर ने स्क्रिप्ट में लिखी है कि अब्बास की एज इतनी है। ये एज जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरह से नहीं बता रहा, अगर आप किताब में लिखे हुए ड्रामे को देखेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पांच कैरेक्टर हो गए जो स्टेज पर आकर परफॉर्म करेंगे, जिनके जरिए से ये पूरी कहानी खुलती चली जाएगी। ठीक है, हुस्ना रखी शब्बीर सुहरा और अब्बास, ये हो गई स्लाइड नंबर टू। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? हाँ बेटा, अच्छा जी आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, स्लाइड नंबर थ्री पर। ड्रामा समंदर का दिल,
एक माँ की मोहब्बत की कहानी जो औलाद की खातिर गम के समंदर में डूब गई है। हाँ, माँ अपने औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसका उसको हम जैसे समंदर के किनारों को निगाहों में नहीं भर सकते, उसकी गहराई को, माँ की मोहब्बत भी ऐसी ही है, इन्फिनिटी, लामहदूद। ठीक है, स्लाइड नंबर 4 देखिए। एक अजनबी ड्रामा समंदर का दिल, एक माँ की मोहब्बत की कहानी, सर माँ की और सर एक की उम्र की लेके मैं माँ का बेटा कितना बड़ा। देखो बेटा, कहानियों में बहुत सारी चीजें बस चल रही होती हैं, तुम शायद ड्रामे ड्रामे नहीं देखते। कहानी में इंडिया के ड्रामे देखो या पाकिस्तान के ड्रामे देखो, टेलीविजन के ड्रामे देखो, उसमें कैसी अजीबोगरीब बातें होती हैं कि बंदा घर से निकला, ये कपड़े पहन के निकला, वहाँ दूसरे के घर गया तो वो कोई और कपड़े पहने हुए, अब आप कहेंगे ये कपड़े कब बदल लिए इसने भाई, है। अब ये ड्रामे होते हैं, ये फिक्शन है, अब इसको बस पेश किया जाता है। और दूसरा ये कि बड़े छोटे की क्या बात है, बेटा एक का बड़ा बेटा, एक का छोटा बेटा, इसमें क्या है, वो 18 साल का नौजवान भी कोई छोटा बच्चा है क्या, है शफी इसका। अभी तो मैंने आपको कहानी की बात बताई ही नहीं है ना, अभी तो मैंने कहानी का जिक्र भी नहीं किया बेटा, अभी तो स्टार्टिंग के चंद लफ्ज ही बोले मैंने, अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, फिर सवाल कीजिएगा। समंदर का दिल, ठीक है, और तारुफे ड्रामा निगार मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने ड्रामे को ब्रेक कर दिया है, ड्रामे की कहानी भी नहीं बता रहा आपको। अब जब खुलासा लिखेंगे तो पहली चीज आएगी, क्या आएगी, तारुफे ड्रामा निगार, ड्रामा निगार का तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब वो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन किस ड्रामा निगार का है, जो इसका राइटर है, राइटर कौन है, मिर्जा अदीब। अच्छा, मीर में दो नुक्ते ना आएंगे नीचे, ये मिर्जा गालिब वाला मिर्जा नहीं लिखेंगे हम इधर, ये मीरजा, पूरा फुल फॉर्म में मीरजा बोलते हैं, मीरजा अदीब। ठीक है, एक यजबाबी ड्रामा समंदर का दिल, तारुफ ड्रामा निगार, मिर्जा अदीब का तारुफ। अच्छा, इनका तारुफ बताने से पहले, जहाँ मैंने इतने एमसीक्यूज बताए आपको अभी, और इसमें एक एमसीक्यू ये तकरीबन 100% है, वो अभी आएगा, वो है जनाब इनका असल नाम, एक एमसीक्यू है, मिर्जा अदीब का असल नाम ये है, क्या नाम है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सैयद दिलावर अली, ये इनका ओरिजिनल नाम है। मिर्जा अदीब क्या है, ये इनका कलमी नाम है, लिखने का नाम है। ठीक है, एक नंबर पक्का पक्का बिल्कुल 100% एक नंबर इज इक्वल टू फिजिक्स के जर्नल का प्रैक्टिकल, जो जिल्लत और रसवाई के बाद मिलते हैं नंबर, वो यहाँ इज्जत और तौकीर के साथ मिल रहे हैं नंबर। ठीक है, जिल्लत और रसवाई, अच्छा जी, और कितनी दावेदारी दिखानी पड़ती है तुम लोगों को उस एक नंबर के साथ, जो बात है सर, जो बात, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अच्छा जी, अब मैंने इस ड्रामा निगार की जो तारीख पैदाइश लिखी है वो देखिए जरा, पैदाइश 4 अप्रैल 1914, वफात इनकी है 31 जुलाई 1999, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, अच्छा, ये पैदाइश और ये वफात की जो ईयर मैंने बताए, ये आपको याद नहीं करने, ये सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस जमाने के आदमी है। ये 99 में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है, यानी 22 साल पहले इंतकाल हुआ, और 1914 में ये पैदा हुए, और 1914 में मौलाना हाली का इंतकाल हुआ था, उसी साल ये पैदा हुए थे, और ये 85 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू के बहुत अच्छे ड्रामा निगारों में इनका शुमार होता है। असली नाम इनका क्या है, सैयद दिलावर अली। ठीक है, हम आगे चलते हैं, तारुफ ड्रामा निगार, ये 2 नंबर का मैटर है। ये मिर्जा अदीब उर्दू के मारूफ ड्रामा निगार हैं,
मारूफ है, मशहूर, ठीक है, सिंपल सा जुमला हो गया ये। मिर्जा अदीब ने जिंदगी और समाज की आवाज को बड़ी खूबसूरती से अपने ड्रामों में पेश किया है, यानी जो हमारी समाजी जिंदगी, माशरती जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं उसको अपने ड्रामों में पेश करते हैं ये। कौन? मिर्जा अदीब की बात हो रही है। समाज किसे कहते हैं? समाज माशरे को कहते हैं। समाज की जो ब्यूटी है, देखिए माशरा जहाँ खराब है वहाँ खूबसूरत भी है, माशरे में जहाँ जिंदगी है वहाँ नफरत भी है, मोहब्बत भी है, तो जिंदगी के दुख भी हैं माशरे में, जिंदगी दुखों का एक दूसरा नाम है। तो सारे इन मौजूद को, जिंदगी के मौजूद को, समाज की आवाज़ को अपने ड्रामों का इन्होंने मौजू बनाया है। मिर्जा अदीब के 5 ड्रामों के मजमूए शाये हुए हैं, 5 ड्रामों के मजमूए। अच्छा जी, वो 5 ड्रामों के मजमूए देखिए अगली स्लाइड में, मैं आपको दिखा रहा हूं। जिसमें उन मजमुओं में आंसू और सितारे इनके स्क्रिप्ट का एक मजमुआ है, ये ड्रामो के स्क्रिप्ट नहीं है। और सुतून, ये भी इनके ड्रामो की किताब है, ये सुतून के नाम से। पसे पर्दा, ये भी नहीं, सुतून के बाद फसीले शब्द, ये भी इनके ड्रामो का की किताब है, ये तफसीले शब्द। पस्ते पर्दा, ठीक है, शीशे की दीवार और लहू और कालीन, ये 5 इनके बुक्स हैं जिनमें इनके ड्रामो के स्क्रिप्ट शामिल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एमसीक्यू बताऊँ आपको कि ड्रामा समंदर का दिल किस किताब से माखूज है? लहू और कालीन से। आप बताएं, मॉडल पेपर में ही मैंने सवाल हल कराया था, मॉडल पेपर में एमसीक्यू सही है। ड्रामा समंदर का दिल इस किताब से माखूज है, कोई तो लिखे बेटा आप। लहू और कालीन, हुमायूं ने बताया है, बिल्कुल सही है, मखदूम ने भी बताया, उमर ने भी बताया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लहू और कालीन। अच्छा, अगर यूं आ जाए इसको रिवर्स कर दो। देखो मैं आपको एमसीक्यू की टेक्निक बता रहा हूँ, एमसीक्यू का वास्ता पड़ेगा 50 एमसीक्यू से, इजी नहीं है, हल्का मत लेना है सवाल को कभी भी। 50 में से 50 अल्लाह आपको नंबर दिलवा दे, आप 90s में जाएंगे। कराची शहर जो है ना, वो 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, कंपटीशन बहुत है यहाँ पर। आप कोई बदीन में थोड़ी रह रहे हैं, किसी कोर्ट में थोड़ी रह रहे हैं जो 37 नंबर लेकर आपको कोटा रखा हुआ होगा। आपको यहाँ कंपटीशन है, 80 प्लस में नंबर उठाने हैं आपको एडमिशन के लिए, आगे जाने के लिए। एक एक नंबर पे आपने गौर करना है। अच्छा, तो जैसे एमसीक्यू ये भी होगा कि लहू और कालीन से ये ड्रामा या ये सबक शामिल निसाब है, उल्टा हो जाएगा ये। बेटा आपको पता ही नहीं है कोटा क्या होता है, आप दरवेश आदमी हो, आपको इन चीजों से क्या लेना है, छोड़ो इस बात को। समंदर का दिल, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, हुमायूं। अच्छा जी, अच्छा जी, और एमसीक्यू ये भी बनता है इसमें से कि आंसू और सितारे और लहू और कालीन इनके ड्रामों का मजमुआ है मिर्जा अदीब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो इनके ड्रामों की किताब है शीशे की दीवार, तो ये अगर नोट्स में कहीं लफ्ज गलत भी लिखा हुआ है, रिश्ते की दीवार लिखा हुआ है, तो रिश्ते की दीवार सही नहीं है लफ्ज, असल लफ्ज है शीशे की दीवार। यक बाबी, 1 एक्ट प्ले बेटा, एक मंजर का ड्रामा, एक स्टेज पे पेश होने वाला ड्रामा, यक बाबी ड्रामा। ये बहुत तफसील से पढ़ाई हुई बातें हैं, ये सिर्फ रिवाइज हो रही है इस वक्त, वो कि मैंने ड्रामा समंदर का दिल पहली दफा बता पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बात हो रही है हमारी
ड्रामे के हवाले से, ठीक है बेटा। ये हो गए पांच इनके ड्रामों के स्क्रिप्ट के मजमूए, तारुफे ड्रामा निगार। अब तारुफे ड्रामा निगार में एक नक्काद की राय भी, डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि ये डॉक्टर सलीम अख्तर वही है जिनका एक कॉल गालिब के नोट्स में पढ़ाया था आपको कि गालिब एक लाशऊर का शायर है। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं अच्छा क्या कहते हैं, इंसानी जमीर की छान पटक और इससे राबता, लफ्जों पे गौर कीजिएगा। देखिए इंसान का जो अंदर का इंसान होता है, जैसे चोर के अंदर का एक अच्छा इंसान था जमीर उसका, तो इंसानी जमीर की छान पटक करना, तजिया करना और उससे रابطہ और उससे कांटेक्ट करना, नफ्सियाती हकीकत के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ साथ सच्चाई के साथ साथ इंसान दोस्ती का जज्बा इनके ड्रामों के खास मौजूआत है। बड़ा जबरदस्त कोटेशन है, ये याद कर लीजिएगा इसको। हाँ, इंसानी जमीर की छान पटक और उससे रابطہ, नफ्सियाती हकीकत के साथ साथ इंसान दोस्ती का जज्बा इनके ड्रामों के खास मजमूआत। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई है। अब हम इससे आगे का, ये हमने स्लाइड नंबर 9 तक पढ़ाया आपको, पढ़ाया मैंने आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं ड्रामा समंदर का दिल, और सवाल कौन सा है, खुलासे या इक्तबास वाला सवाल है ये। तो जो बच्चे इक्तबास करेंगे उनके लिए तो ये बेकार है, और जो बच्चे खुलासा करेंगे उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा सर, कोटेशन में वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, मेरे ख्याल में होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके अल्फाज थोड़ी है, ना मेरे अल्फाज है, ये तो उस नाकिद के हैं जिसने पूरी किताब लिखी है इनका, ये उसके अल्फाज है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे, आज इतना ही है, आगे 10वीं स्लाइड से हम कल पढ़ेंगे फिर।